जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवानों की दर्दनाक शहादत पर अपना विरोध दर्ज कराने, इस बुजदिलाना हमले की मजम्मत करने और शहीद होने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद शहर मुरादाबाद की जानिब से 21 फरवरी को 11 बजे दिन जन्नत शादी हॉल प्रिंस रोड मुरादाबाद में एक मजम्मती व एहतजाजी इजलास मुनाकिद किया गया, जिसकी सरपरस्ती इमाम शहर मुरादाबाद हजरत हकीम सैयद मासूम अली आजाद ने, सदारत जमीयत के शहर सदर हजरत मौलाना अलहाज मोहम्मद यहिया कासमी ने और निजामत जमीयत के शहर जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना रहमत अली कासमी व मौलाना मोहम्मद यहिया कासमी ने मुश्तरका तौर पर फरमाई। जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के सदर और जामिया कासमिया मदरसा शाही के मोहतमिम हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने इस जलसे में खास तौर से शिरकत फरमाई। सूबाई सदर साहब 20 फरवरी को ही बांग्लादेश के सफर से मुरादाबाद वापस आए हैं। इस जलसे का आगाज कारी मोहम्मद अशरफ ने तिलावत कलामी पाक व नाते पाक से किया। सदर इजलास हजरत मौलाना अलहाज मोहम्मद यहिया कासमी ने इस मौके पर फरमाया, पहले भी जिन जवानों ने, वीरों ने, बहादुरों ने कुर्बानी पेश की है, उनके लिए सच्ची खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ ये पैगाम हम सब लेके उठते और चलते हैं और जिंदगी के आखिर सांस याद रखेंगे, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क से नफरत करने वाला, उसका धर्म मजहब कोई भी हो, उसकी जात कोई भी हो, वो मुल्क का दुश्मन है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह से इस मुल्क में रहने वाले आज गम में और दुख में बराबर के शरीक हैं, कोई ये नहीं कहता कि फुनाजात और काश का नौजवान शहादत पाया है, बल्कि हर शख्स ये कहता है कि इस मुल्क के जवान शहीद हुए हैं। इसी तरह से इस मुल्क में ये न कहा जाए कि मुसलमान दुखी है, हिंदू दुखी है, सिख दुखी है, ईसाई दुखी है, सही बात ये है कि पूरा हिंदुस्तान दुखी है। सिख समाज की नुमाइंदगी करते हुए मुरादाबाद नागरिक समाज के सेवा प्रभारी सरदार गुरविंदर सिंह ने इस अवसर पर कहा, एक लड़के ने हमला किया कि जिसमें 40 जवान मौके पर शहीद हुए और काफी लोग आज भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। अभी बहुत खूबसूरत बात कही हमारे यहिया साहब ने कि हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अबू ये जो लोग शहीद हो गए हैं, शहादत पा गए हैं, क्या इनके बच्चे होंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपने आप को उस मुकाम पर रखकर सोचें, हमारे हमें लगता तो यही है कि वो हमारे लिए शहीद हुए हैं और हम सबका नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, विचार करने की बात यह है, सोचने की बात यह है। वरिष्ठ समाज सेवी आदित्य कुमार एडवोकेट ने इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, मैं कहना चाहूंगा बार बार शहादतें देते रहेंगे, उस शोक सभा बनाते रहेंगे, यही हमारा मुस्तकबिल है देश का। बदला लेना चाहिए, अगर कमजोर आदमी शांति की बात करे वो शांति शोभा नहीं देती, ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा। मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन ऐसी हिंसा कोई हमें मार के चला जाए, ऐसी अहिंसा भी गलत है। ऐसी अहिंसा जो मुल्क को कमजोर करे, मुझसे कंडर बनता और ऐसे लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं जो देश में अभी गुरविंदर साहब के ब्लैक सीट है, वो सुधर जाए, नहीं तो हम और आप मिलकर सुधारेंगे। इस्कॉन प्रचारक धीर शांत दास जी ने इस अवसर पर गंगा जमनी तहजीब बरकरार रखने पर जोर देते हुए कहा, सब क्या होती है हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्या होता है, इतना मुझे पता था। जब होली आती थी, जन्माष्टमी आती थी, वो जितने मेरे रियाज सगीर साहबुद्दीन आज भी याद है मुझे, उस सारे लोग मेरे घर के आसपास घूमते रहते थे और मेरी दादी कचौड़ी बनाती थी
गुजिए बनाती थी, मैं चुरा चुरा के बाहर ले जाने जाकर उनको बांटता था। और ईद की सुबह होते वो भी कटोरा भरते मेरे लिए सिवई लेकर आते थे। तो अभी हमारे महंत जी कह रहे थे हम गंगा जमुना तेजी, भैया हम सबके रक्त में हम चारों की ही मिलावट है। हमारे अंदर ईसाइयत भी है, हमारे अंदर मुस्लिमों की सुगंध भी है, हमारे अंदर सिखों का भी सहभागी है। जिस समय हम ट्रेन में जाते हैं हम ये नहीं पूछते कि ट्रेन चलाने वाला कौन है, जब हम बस में जाते हैं तो ये नहीं पूछते कौन से धर्म का है, जब हम दवाई लेने जाते हैं तो ये नहीं पूछते डॉक्टर कौन से धर्म का है। हो सकता है कि मुसलमान को हिंदू डॉक्टर दवाई देता हो सकता है हिंदू के अंदर किसी ईसाई के द्वारा सहयोग किया जा रहा हो। तो हमारा जो रक्त है वो इस हिंदुस्तान में मिली जुली संस्कृति है, आज उस संस्कृति को भ्रष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पिछली बार मैंने जामा मस्जिद के बहुत ही पवित्र मन से बात कही थी कि ना इस्लाम खतरे में है ना हिंदू धर्म खतरे में है। इस इजलास के खुसूसी मुकर्रर और जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने पुलवामा की घटना को दहशत गर्दाना एवं कायराना करार दिया और फरमाया कि इसकी जितनी भी निंदा एवं विरोध किया जाए कम है। हम उन 40 शहीदाने वतन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मौसूफ ने इस संकट की घड़ी में दुख प्रकट करते हुए कहा कि समस्त भारतीय देश विरोधी शक्तियों के विरुद्ध एकजुट हो जाए और कहा कि अकारण किसी की हत्या करना राम एवं अमानवीय कार्य है जिसकी इजाजत संसार का कोई धर्म नहीं देता। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा सदस्य आतंकवाद एवं हिंसा का विरोध करती रही है और कहा कि हम उन शक्तियों की भी निंदा करते हैं जो किसी भी देश में आतंकवाद को किसी विशेष धर्म से जोड़ते हैं। विदेश में था, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने ये सोचा कि हो सकता है आंख से निकलने वाले ये आंसू मरने वालों के घरों के गम में मुझे बराबर का शरीक बना ले। मैंने ये सोचा कि वो जवान जो गए हैं उनके माँ बाप के दिल से पूछो क्या हाल होगा। मैंने सोचा वो जवान जो गए हैं अगर उनके बच्चे और बीवियां हैं तो उनके लिए आज का ये दिन कितना खतरनाक दिन होगा। दोस्तों और साथियों, ये हमला सिर्फ फौज की एक टुकड़ी पर नहीं था, यह हमला हर हिंदुस्तानी के ऊपर था। हम इस हमले के जद में हम में से हर एक है। सबसे पहले मैं उन मरने वालों को खिराज अकीदत पेश करता हूं। मरने वालों में हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। हमला करने वाले ने मजहब की बुनियाद पर हमला नहीं किया बल्कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला किया। आखिर में इमाम शहर मुरादाबाद हजरत हकीम सईद मासूम अली आजाद ने इजलास को खिताब फरमाया और उन्हीं की दुआ पर इस इजलास का इख्तिताम अमल में आया। देखिए है इस वक्त हिंदुस्तान भाई बेचैनी में है, हर फर्द बेचैनी महसूस कर रहा है। दो बेचैनी है, एक बिरूनी एक अंदरूनी, दोनों का मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता है इत्तेहाद बाहरी। अगर हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो हमने आज से 100 साल पहले 1947 से पहले जो बुनियाद डाली है एकता की, जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए मजहबी और सियासी पेशाओं ने एक जगह बैठकर एक पैसा बैठकर बगैर तफरी मारो मिलत अपना खून पसीना दिया है और उस कौम को हिंदुस्तान निकाला है जिसके मुतालिक मशहूर था उसके मशहूर नहीं उठता था। हमारे इतिहास ने उनके मुल्क में ही समझ को डूबो दिया, वो हमारी आजादी से खुश नहीं है। इस जलसे को नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना सैयद काब रशीदी, ईसाई समाज के नुमाइंदे पादरी पॉल सारस्वत, जमीयत उलेमा के प्रदेश उपाध्यक्ष हजरत मौलाना खुर्शीद अनवर कासमी,
शहर मुरादाबाद के ट्रेजरार हाजी मोहम्मद उस्मान उर्फ शबन भाई वगैरह ने भी खिताब किया और दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर जमीयत उलमा के प्रदेश सचिव मुफ्ती अब्दुल जलील खान, मौलाना रिजवान कुरैशी, कारी मोहम्मद इब्राहिम, इमाम जामा मस्जिद मुरादाबाद, मलिक मोहम्मद उमर, मुफ्ती मोहम्मद आजम, हाजी अनवार हुसैन कुरैशी, आरिफ चौधरी, निजाम हुसैन पम्मा, समाजवादी पार्टी के जिला सदर राजीव कुमार सिंघल, महानगर अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष विजय वीर यादव व संजीव चौधरी, जिला कोषाध्यक्ष अजय गुप्ता, जिला सचिव ऋषि यादव, ब्रजलाल जाटव एडवोकेट, महानगर महासचिव धर्मेंद्र यादव, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति के मंडलाध्यक्ष इफ्तिखार खां, हाजी मोहम्मद सलीम, मौलाना महफूज आलम, अब्दुल जमाल उर्फ बबन अब्बासी, मोहम्मद अब्बास उर्फ गुड्डू, रियाज मियां, हाजी जुल्फिकार अली, हाजी सैयद आजम अली, हाजी मुख्तार असलम भी मौजूद रहे। जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की।